हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, टुडे वी विल लर्न सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड एज यू कैन सी टॉपिक इज विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी विपिन चौधरी का जो याददाश्त है उसका किस तरह से क्षरण हो जाता है, यानी किस तरह से वो खराब हो जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। विपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बार्टन स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। मतलब जैसे ही वो जो बुक स्टॉल था वहाँ से बाहर आता है तो वो कार को इशारा करता है, या कार वहाँ पे उसकी पार्क्ड होती है जहाँ पे वाटरम स्ट्रीट है। और वो कहाँ पर है? वो है जो लाइट हाउस सिनेमा है उसके जस्ट बगल में। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार। जैसे वो कार के अंदर जाते हैं तो वो ड्राइवर से कहते हैं, क्या कहते हैं? जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा की नदी के किनारे किनारे गाड़ी को चलाओ। विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? सीताराम, यानी जो ड्राइवर होता है उसका नाम क्या होता है? सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब विपिन बाबू जो है वो जो इंट्रूडर यानी जो अजनबी वहाँ पे आया था और बोला कि आप जो है रांची में थे, इस तरह से जो कुछ भी उसने बातें करी वो आपको मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करा था। तो अब जो है विपिन बाबू उसकी बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो उसके यानी विपिन बाबू के दिमाग में वो बातें बार बार आ रही हैं। आगे तो जैसे वो ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड यानी स्टैंड रोड से आगे जा रहे थे, यानी गाड़ी चल रही थी, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन, यानी वो अपने आप पे पछता रहे थे क्योंकि उनका जो दिमाग है वो उसी अजनबी की बातों पे, यानी जो विपिन बाबू के पास आता है उसी की बातों को सोच के वो परेशान हो रहे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो अपने आप में सोच रहे थे कि मैं तो कभी रांची में गया ही नहीं था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब वो सोच रहे हैं कि इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। इट वॉज इनकंसीबेबल यानी समझ से बाहर, इनकंसीबेबल का मतलब होता है समझ से बाहर, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, और उसे ये ऐसे जो इंसिडेंट है वो भूल देने चाहिए, यानी वो याद नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो है उसी बात को लेकर जो है बार बार सोचते हैं और अदर काम आप जो है वो छोड़ देते हैं। विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, और ये जो बात है वो 6 या 7 वर्ष पहले की रही होगी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, जबकि विपिन बाबू को अच्छी तरह से याद रहता था जो कुछ भी उन्होंने अपनी लाइफ में किया वो सारा कुछ याद था। अनलेस विपिन बाबूज हेड रील्ड, जब तक कि उनके दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जो हेड रील्ड है उसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे रखा है, ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज, यानी वो जो है उस अजनबी की बातों को सुन के अभी शॉक्ड और कन्फ्यूज हो रहे थे। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग खो रहे थे यानी अपनी याददाश्त खो बैठे थे। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, जबकि वो रोज अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म, बहुत बड़ी दिक्कत की बात अगर हम कहें कि ये उनके साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है, यानी उनको अपने लाइफ के वो जो इंसिडेंट है वो याद नहीं रह पाए। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, लेकिन अगर हम विपिन बाबू की बात करते हैं तो वो हमेशा जो है अपने काम में जिम्मेदार बने रहते थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, लेकिन उनको इस बात की भी कभी खबर नहीं हो पाई, यानी वो कभी इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होगा कि उन्हें अपने लाइफ के बारे में कुछ याद ना हो। एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, यानी उनके लाइफ में कभी ऐसा गलत भी हुआ हो। ओनली टूडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और अगर आज की बात करें यानी ओनली टूडे ही स्पोक, आज जो है उन्होंने कहा या बोला फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे के लिए, एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, कहीं उनकी कोई मीटिंग हुई होगी यानी महत्वपूर्ण जो। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा कौन जानता है या
किसको मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में पता है, हाउ, वो अपने आप को रिग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, जैसा कि अगर मैं मीनिंग यहाँ पे बताऊँ इंटीमेट की, तो अंतरंग होता है कि यानी मन की बात, यहाँ पे इसका जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा मन की बात। तो बिपिन बाबू ये सोच रहे हैं कि कोई किसी के मन की बात कैसे जान सकता है, यानी ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यानी वो मेरे अंतरंग के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, जैसा कि उस अजनबी ने बोला था कि आप जो है किताबों के लिए हमेशा अपने पास बैग रखते थे। वाइफ्स डेथ, यानी अब तो बीबी की जो डेथ है। ब्रदर्स इंसैनिटी, यानी भाई का जो पागलपन था। इंसैनिटी का मीनिंग मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इंसैनिटी का मीनिंग होता है पागलपन। उसका जो भाई था वो पागलपन का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। लेकिन अब बिपिन बाबू जो सोच रहा है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये बड़ी मिस्टेक हो रही है मुझसे कि मैं कभी रांची गया था या नहीं गया था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। लेकिन अब बिपिन बाबू देखो, वो अपने आप में रियलाइज कर रहे हैं कि ये गलती नहीं हो सकती, बल्कि ये जानबूझ के बोला जाने वाला झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास, यानी 1958 की बात हो रही है, अपने आप में वो सोच रहे हैं कि जब 1958 की बात वो कर रहा था, वो आदमी जो कर रहा था, तो उस टाइम में पूजा में था और कहाँ था, कानपुर में था। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, यानी उनके जो दोस्त थे, बिपिन बाबू के जो दोस्त थे, उनका जो घर था वो था कानपुर में, और उनके दोस्त का नाम जो था वो था हरिदास बागची, जहाँ पर कि वो 1958 में पूजा में व्यस्त थे। आगे, ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब वो क्या सोच रहे थे कि हरिदास को लिखता हूँ, यानी उनसे जानकारी इकट्ठा करता हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ था। लेकिन बात क्या है, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, क्योंकि वो हरिदास को नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, इसलिए नहीं लिख सकता था, उसको उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले अपनी बीबी के साथ जापान में शिफ्ट हो गया था। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अभी जो है बिपिन बाबू के पास हरिदास का कोई अता पता नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। अब इसको क्या प्रूफ करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने आप में रियलाइज कर रहे हैं कि मैं तो वाकई में कभी रांची में नहीं था। एंड दैट वॉज दैट, और ऐसा ही है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, यानी जो नदी के पास अगर आप बैठोगे तो वहाँ से हवा चलती है, ठंडी हवा जिसको बोलते हैं, ब्रीज जिसको बोलते हैं, वॉज ब्रेसिंग, यानी वो उत्तेजक बनाती जा रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। अब उनके दिमाग में देखो, एक डिसकम्फर्ट मीन्स होता है बेचैनी, तो ये जो बात थी वो बिपिन बाबू के दिमाग में धीरे धीरे करके, स्लाइटली मीन्स धीरे धीरे करके, एक डिसकम्फर्ट यानी बेचैनी पैदा कर रही थी। अराउंड हिज हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि तुम्हारे पैर में कट लगा था, कब, जब हम हुदरू फॉल गए थे। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था। तो अब बिपिन बाबू देखो क्या कर रहा है कि अपने राइट साइड का ट्राउजर ऊपर करके देख रहे हैं कि वाकई में मेरे घुटने पे कट है या नहीं है। ओके, देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और जब उन्होंने जो है खोल के देखा तो वाकई में वहां पे एक इंच लंबा कट पड़ा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल, अब वो आपस अपने आप में सोच रहे हैं कि ये असंभव है, टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि उस आदमी ने ये भी बताया था कि ये इंजरी कहाँ हुई थी, यानी हुदरू फॉल में जब वो जा रहे थे वहाँ पर ये कट पड़ा था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, अब वो देखो
वो आपस में ये बात कर रहे हैं कि जब मैं एक लड़का था तब मैं कभी भी किसी फॉल पे नहीं गया था और ये कट वहाँ पे कभी पड़ा ही नहीं था। He tried to recall such an incident. अब वो उस घटना के बारे में अपने आप को रिकॉल करने लगे, यानी अपनी मेमोरी को वो याद करने लगे, but couldn't, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि वो घटना उनके लाइफ में हुई नहीं थी, ये तो एक प्रैंक था। ठीक है, देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब उन्होंने जो है दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा थोड़ी देर के लिए, जल्दीबाजी में उन्होंने दिनेश मुखर्जी यानी वही आदमी जिसने उसको प्रैंक किया था, यानी बिपिन बाबू को प्रैंक किया था। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। सॉरी, वो जो दिनेश मुखर्जी है वो आदमी नहीं है जिसने प्रैंक किया, बल्कि वो दोस्त है जिसके बंगलों पे बिपिन बाबू ठहरे हुए थे। अब यहाँ पे देखो, देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि तुम दिनेश मुखर्जी के घर पर रुके थे। अब वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोच रहा है बिपिन बाबू कि क्यों ना उसको ही पूछा जाए। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। तो कह रहा है कि उस टाइम जो है जब बिपिन बाबू रांची गया था तो दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पे था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब मुझे क्यों ना उसे पूछ लेना चाहिए। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, यानी दिनेश मुखर्जी को पूछने के बारे में बिपिन बाबू सोच रहा है। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनाथ स्ट्रीट। अब वो कहाँ पहुँच गए थे, बेनीनाथ स्ट्रीट के बहुत करीब पहुँच गए थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक ऑफ थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। अब बिपिन बाबू ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उनको पूछूं, अगर दिनेश मुखर्जी वाकई में था तो अगर मैं उनसे पूछूं तो शायद कुछ पता चल सकता है। ठीक है, उसके बाद इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर मैं वाकई में रांची में नहीं गया था तो दिनेश मुखर्जी मुझे बता सकता है कि मैं रांची में था या नहीं था। आगे उन्होंने जो है ये सोचा कि दिनेश बाबू को कन्फर्मेशन के लिए जरूर पूछ लेना चाहिए। ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। अब ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड मीन्स होता निष्कर्ष निकालना, वो इस निष्कर्ष पे निकल गए थे कि गोइंग नट्स मीन्स थोड़ी देर के लिए जो है पागल हो जाना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गोइंग मैड, यानी पागलपन का शिकार हो जाना। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़ी देर के लिए क्या हो गया हूँ, पागल सा हो गया हूँ। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, ये बिल्कुल बकवास है। रेडिकुलस मीन्स होता है बकवास या बेहुदा। ठीक है, टू आस्क हिम कि मैं उसको पूछूँ, मतलब अगर उसने बोल दिया कि हाँ तू था वहाँ पे तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज्म कुड बी, और अगर उसने मुझे कटाक्ष कर दिया यानी ताना मार दिया तो ये कितना निष्ठुर यानी रूदलेस हो जाएगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनेड लिविंग रूम, जहाँ वो रहते थे वो एयर कंडीशनेड था और वो वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी का सिप यानी चुस्कियाँ ले रहे थे। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईजी अगेन, अब उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ईजी किया यानी आराम से। सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रोवर्ब टाइप में यूज करा हुआ है कि सच अ न्यूसेंस यानी जो एक तरह की बाधा होती है। ठीक है, ये एक तरह की बाधा है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू कि उन्होंने कुछ और नहीं किया था, बल्कि दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर यानी दूसरे को ज़बरदस्ती परेशानी में डाल देना। यहाँ पे ये प्रोवर्ब्स हैं कि गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर यानी दूसरे के बालों में ज़बरदस्ती घुस के उनको नोचना या फिर इस तरह से परेशान कर देना यानी दिमागी तौर पर किसी को परेशान कर देना। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। स्नगलिंग की मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता रखी है यानी स्नगल यानी थोड़ी से सट के मतलब ऐसे चिपक के सो जाना। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग बिस्तर पे जाते हैं तो थोड़ा सर पीछे रख के और इस तरह से
आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड यानी लेट के विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स यानी जो बुक उन्होंने खरीदी थी थ्रिलर यानी रोमांच जो रोमांच जिस बुक में जिस किताब में होता है वो बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब जब वो थ्रिलर पढ़ने लगे तो वो थोड़ी देर के लिए उस आदमी के बारे में भूल गए जिन्होंने उनसे उससे प्रैंक किया था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस अब अगले दिन जो है जब वो ऑफिस गए बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर यानी जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे वो अपने मन में उनके मन में वो ख्यालात फिर से वो विचार फिर से घूमने लगे। द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड यानी जो पीछे वाले दिन की जो मुठभेड़ थी एनकाउंटर मीन्स होता है मुठभेड़ यानी जो उस आदमी के साथ जो उनकी जो परिमल घोष था उसके साथ जो बिपिन बाबू की मुठभेड़ हुई थी वो उसकी जो बातें थी वो दिनेश बिपिन बाबू के दिमाग को और ज़्यादा भर रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू यदि वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना ज़्यादा कुछ जानता है हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप तो फिर वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे गलती कर सकता है यानी उसने जो बोला क्या पता वो सच हो। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी अब लंच यानी खाना खाने से पहले दिन का खाना खाने से पहले बिपिन बाबू ने क्या सोचा कि मैं जो हूँ दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके ये कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या वाकई में वो रांची थे या नहीं थे और कैसे करना है वो रिंग अप यानी फ़ोन करके पूछना था। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन और अच्छा रहेगा कि मैं उससे फोन पर ही ये सब कुछ पूछ लूँ एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट सो कम से कम बिपिन बाबू के चेहरे पे एम्बेरसमेंट मीन्स शर्मिंदगी कम से कम शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होगी। 235616 यानी ये नंबर है जो बिपिन बाबू ने डायल करा बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर हेलो इट इज दैट दिनेश दिस इज बिपिन हियर। अब बिपिन बाबू ने जैसे फ़ोन किया उधर से फ़ोन उठाया तो उन्होंने हेलो करके बोला और उसके बाद पूछा इज़ दैट दिनेश क्या वहाँ से दिनेश बात कर रहा है दिस इज बिपिन हियर यहाँ से मैं बिपिन बात कर रहा हूँ वेल दैट्स द न्यूज़ ठीक है ये एक खबर है आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। अब बिपिन बाबू क्या बोल रहे हैं कि मैं जस्ट जो हूँ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या आप कुछ जो है रांची इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं 58 व्हाट इंसिडेंट। अब देखो जो दिनेश है वो क्या कह रहा है कि 58 व्हाट इंसिडेंट वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर अब क्या तुम उस टाइम कलकत्ता में थे उस साल दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। अब बिपिन बाबू क्या कह रहे हैं कि क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे जिसके बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा वेट जस्ट अ मिनट। अब जो आदमी है यानी दिनेश मुखर्जी है वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करो 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी कि जो 58 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा मैं अपनी डायरी को देख लूँ। फॉर अ मिनट देर वॉज साइलेंस थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खामोशी छा गई यानी उधर से भी किसी ने बात नहीं की और बिपिन बाबू भी चुप हो गए। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट बिपिन बाबू जो है अपनी दिल की धड़कन को महसूस कर सकते थे कि वो किस तरह से ऊपर ऊपर बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल यानी उन्हें पसीना होने लग गया था। हेलो यस आई गॉट इट अब जो आदमी है वो दोबारा से कह रहा है कि हेलो यस हाँ मैं मुझे ये मिल गया है आई हैड बीन आउट टॉइस यानी मैं दो बार रांची गया था वेयर वंस इन फरवरी एक बार में फरवरी में गया नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग मैं कृष्णा नगर के पास गया था और वो गया कहाँ किस फंक्शन में गया था वो नेफ्यू यानी भतीजे की शादी में गया था। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन और
अब जब वो दूसरा बोलने लगा रांची ट्रिप के बारे में बोलता, तो उसने जो है बात को गोल मटोल तरीके से घुमाकर उसको विपिन बाबू के ऊपर ही डाल दिया। यानी क्या कहा कि दूसरे इंसिडेंट के बारे में तो तुम खुद जानते हो, यानी वही इंसिडेंट जब वो हुद्रू फॉल गए थे, यू वर देयर टू, तो तुम भी वहां थे, उसके बारे में तो तुम्हें भी पता है। ठीक है, वो इस तरह से घुमा देता है विपिन बाबू को, जबकि उसे भी नहीं पता होता है कि वाकई में इंसिडेंट क्या होता है। दैट्स ऑल, बट दैट्स ऑल दिस सिल्यूडिंग अबाउट, सिल्यूडिंग यानी इन्वेस्टिगेटिंग यानी किसी चीज की जांच पड़ताल करना। आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। अब विपिन बाबू ज़्यादा कुछ ना कहके बल्कि सीधे थैंक्स बोल दिया। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। स्लैम्ड मीन्स पटक कर मारना, यानी वो पटक कर फ़ोन को नीचे मारते हैं और उसके बाद अपने सर को, ग्रिप मीन्स होता है इस तरह से सर को पकड़ना, ठीक है। विद हिज हैंड ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। अब उन्हें लग रहा था कि मेरा दिमाग जो है वो इधर उधर घूम रहा है, यानी तैर रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। अब उन्हें थोड़ी सी क्या, चिल मीन्स होता है ठंडक, यानी उन्हें लगा कि उनके शरीर के ऊपर कुछ ठंडी चीज आ गई है या गिर गई है। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स। उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच रखा होता है, यानी जो उन्होंने लंच के लिए ला रखा था। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। अब उनकी भूख जो है बिल्कुल मर गई थी। सो दिस इज फिनिशिंग पॉइंट ऑफ दिस पार्ट, यानी पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर। वी विल डिस्क्राइब नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। अनलेस, थैंक यू।